नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक राज, इजी वे ग्लोबल में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी भर्ती कह सकते हैं निकाली गई है बीआरओ की तरफ से, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से निकाला गया। इसमें जो 10वीं पास वाले बच्चे हैं या जो आईटीआई किए हुए हैं, वो दोनों लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी भी पद है जिसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाएगा। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, तो आइए इसका शुरुआत करते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि जो सीमा सड़क संगठन, जिसका नाम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम बीआरओ बोलते हैं शॉर्ट में, ये करता क्या है? ये कंपनी जो सीमावर्ती क्षेत्र है, भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जो बॉर्डर इलाका है, वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम करती है। और ये भारतीय सेना की कंपनी है। किसका कंपनी है? भारतीय सेना की कंपनी है। भारतीय सेना इसको चलाती है, ऑपरेट करती है, मतलब कह सकते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। और इसमें आपको नौकरी मिलता है तो जो आर्मी की फैसिलिटी होती है, सारी फैसिलिटी आपको भी दिया जाता है। लेकिन बस मुसीबत यह है कि आपको कभी चाइना का बॉर्डर, कभी पाकिस्तान का बॉर्डर, बांग्लादेश का, म्यांमार सीमा रेखा के तमाम, मतलब सीमा सुरक्षा बल के साथ ही आपको ऑपरेट करके काम करना होता है। सारी सुविधाएं आर्मी की होती है। ठीक है, अब इसमें जो भर्ती निकाली गई है, इसका तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। और अभी फिलहाल फाउंडेशन बैच चल रहा है, लेटेस्ट स्टार्ट हुआ फाउंडेशन बैच, मास्टर कोर्स के अंदर में आपको दिख जाएगा। आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लीजिए। फाउंडेशन बैच का मतलब है कि कोई भी भर्ती निकाली जाती है, सबका तैयारी एक साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, बैठना नहीं है दोस्तों, लगातार भर्ती आ रही है। आप देख सकते हैं पिछले एक महीने की हम बात करें तो बीएसपीसीएल, इंडियन नेवी, एनपीसीआईएल, एचएएल और तमाम जगह भर्तियां निकाली गई है। और आने वाले दिनों में इसरो में, डीआरडीओ में, बाक में, रेलवे ग्रुप डी में, ये तमाम भर्ती आपको देखने को मिलेगा। तो जो तैयारी बच्चा कर रहा होगा उसको तो नौकरी मिलेगा, इस बात की गारंटी है। अब यहां पे क्या हुआ कि बीआरओ की तरफ से शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि हम भर्ती लेने वाले हैं, लेकिन इसका कोई टाइम टेबल अभी नहीं बताया गया है। अब जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, शॉर्ट नोटिफिकेशन है, इसका एक बार चर्चा हम लोग कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये भर्ती निकाली गई है। स्टार्टिंग में मैंने बोला था गृह मंत्रालय, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, बोलने में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। अब इसमें जो भर्ती निकाली गई, यहां पर देखिए, एक तो ड्राफ्टमैन का है, ठीक है ना। ड्राफ्टमैन में करेंट और बैकलॉग टोटल 10 भर्ती है यहां पर दिखा रहा है। यहां टोटल की बात करें तो 16 हो जाता है। अगर आरक्षण वगैरह की बात करें तो टोटल यहां पे 16 भर्ती निकाली है। किसके लिए? ड्राफ्टमैन के लिए। उसी तरह से सर्वेयर के लिए हम बात करें तो यहां पे 2 सीटें निकाली गई है। टर्नर की बात करें तो यहां पर टर्नर के लिए 10 सीटें हैं। मशीनिस्ट की बात करें तो मशीनिस्ट के लिए यहां पर 1 सीट निकाली गई है। ठीक है ना, ये तो सब आईटीआई का ही पद है। ठीक है, इसके अलावा ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट में 208 पद है। और यहां पे टोटल की बात करें तो 417 पद इस पर निकाला गया है। ठीक है, इसके अलावा ड्राइवर रोड रोलर जानते होंगे आप लोग, इसमें टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो 2 सीट है। और ऑपरेटर एक्स वैकेटिंग मशीनरी की बात करें तो यहां पे इसके लिए 18 सीट निकाला गया। टोटल 466 सीटों पे ये भर्ती निकाली गई है। जिसमें हम आईटीआई की बात करें तो यहां पे टर्नर, मशीनिस्ट और ड्राफ्टमैन के आईटीआई वाले छात्र अप्लाई कर सकते हैं। और ये ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट है ना, इसमें आपको मुख्य रूप से ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है। ठीक है ना, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, 4-व्हीलर का, है ना, हैवी 4-व्हीलर का, तब आप इसमें अप्लाई करते हैं। तो बहुत सारे जो आईटीआई के छात्र जो फिटर से हैं, टर्नर मशीन से, इलेक्ट्रीशियंस है, उन लोगों को मैं बोलता हूं कि आप थोड़ा सा स्किल अपना इंप्रूव करें, ड्राइविंग लाइसेंस बना कर लीजिए। ठीक है ना, उससे क्या होता है कि बहुत जगह ऐसी भर्तियां निकाली जाती है जहां पर ड्राइविंग लाइसेंस का जरूरत पड़ता है, और जिसके पास होता है तो उसको आसानी से नौकरी भी मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहां पे रिजर्वेशन की बात किया और हैंडीकैप वाले बच्चों के लिए यहां पे जिक्र किया गया है। ठीक है, तो यहां पे अभी इसमें जो निकाला गया है, लास्ट डेट इसका अभी कोई अवेलेबल नहीं है। इसके वेबसाइट www.bro.gov.in पे जाकर देख सकते हैं, वहां पर भी कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही अपडेट आएगा तो इस पर हम चर्चा कर लेंगे कि भाई इसका डिटेल्स, जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होगा, क्योंकि अभी यहां पे देखने से लग रहा है कि भाई ये ड्राफ्टमैन है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, इसमें तो आईटीआई कंफर्म है, होगा ही होगा। ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट में एमएमबी वाले जो बच्चे होते हैं, जो डीजल मैकेनिक्स वाले बच्चे होते हैं, उनके साथ ड्राइविंग लाइसेंस का बोलता है कि ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या
ये भी कह सकता है कि जो आईटीआई बच्चे किए हैं और ड्राइविंग लाइसेंस जिनके पास है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा बोल सकता है, जिसमें सीटों की संख्या 417 है और यहां पे नौकरी होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जब डिटेल्स नोटिफिकेशन आएगा तो हम इस पे चर्चा कर लेंगे। ठीक है, बाकी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में कमी नहीं छोड़ना, कमी नहीं करना, ठीक है ना। कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरना हो तो इजी वे के तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर चालू कर दिया गया है कि भाई जितने भी बच्चे हैं जो ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरना चाहते हैं, मिस्टेक हो जाता है ना, तो करना कुछ नहीं, इस नंबर पर कॉल करके आप अपना फॉर्म भरवा सकते हैं और ये मोबाइल में सेव कर लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर भी है, व्हाट्सएप पर डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिएगा और आपका फॉर्म भरा जाएगा, और जो नॉमिनल चार्ज है वो चार्ज आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, बाकी हर एग्जाम में क्या हो रहा है कि करेंट अफेयर पूछे जा रहे हैं, है ना, करेंट अफेयर या जनरल अवेयरनेस से। जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है जीके और जीएस दोनों, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और करेंट अफेयर सब मिलाकर जनरल अवेयरनेस बोलते हैं। तो उसका सोल्यूशन ये कि आपको रेगुलर बेसिस पे पर डे के हिसाब से आपको क्या करना होता है, तैयारी करनी होती है, पढ़ाई करनी होती है। तो उसके लिए हम लोगों ने मंथली एक मैगजीन निकाला है, हर महीने आपको एक मैगजीन मिलता है, आपको हर महीने करंट अफेयर बूस्टर मिलता है जिसमें स्टैटिक जीके आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा मॉक टेस्ट बुकलेट देते हैं, 250 एमसीक्यू का ये बुकलेट होता है डेली, हर दिन आपको मैथ रीजनिंग इंग्लिश और का असाइनमेंट देते हैं विथ सॉल्यूशन के साथ में, साथ ही साथ आपको करंट अफेयर जनरल स्टडी जनरल नॉलेज के प्रश्न मिलते हैं आपको। ठीक है, तो ये डेली बेस वाला सर्विस है, ये मंथली सर्विस है, चारों मिलाकर हमने बनाया है मास्टर करंट अफेयर्स जो 111 रुपए का है। कितने का है ये मास्टर करंट अफेयर? 111 रुपए का है और इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है, 1 साल इसकी वैलिडिटी है। कितना है? 1 ईयर वैलिडिटी है और 1 साल तक आपको हर महीने ये 4 किताबें और डेली हर दिन आपको डेली क्विज़न मॉक टेस्ट मिलेगा, इतना सारा चीज आपको दिया जा रहा है। तो एक बार इसे ट्राई जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपके हर एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे और आपका स्कोर बढ़ जाएगा। ठीक है, बाकी फाउंडेशन बैच चलाया जा रहा है इजीवे कोचिंग का, आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को एकदम बिल्कुल धारदार बना के रखिए, कमी मत करिए, और जैसे ही इसका नोटिफिकेशन डिटेल्स आएगा तो एक और वीडियो हम लाएंगे। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।